हेलो, हेलो। राकेश पटेल बोलता है, अखिल हाँ सिंह बोलता है, चराइये कौन गांव लागत हो तुहार। हम सह चराइये ठाकुर रही बिने तोड़ चराइया बांध तोरे गढ़ी हम ढाई जहाँ देव। था। हाँ राम हाँ सिंह पटेल तोरे घरे कहाँ। बिल्कुल है। अब अपने उनका जो संबंध में फंसाए हैं, राम सिंह ने हाँ गजेड़ी को नौत बुलाई है, देखी कितना दम उनके बाद अच्छी आलू समझे था का पिस्ता आलू घरे नहीं ही दाग समझत दे बोल। आलू विधायक हम सही पटेल को मार डाल अब यहाँ ही है तो या नहीं इतनी देखा क्या रही इतनी हो रही बड़ी है कोरा। औकात हो तो इतनी बड़ी औकात हो तो प्रतापगढ़ में 2 किलोमीटर से आई कितना चला जाता जीत के। आओ पिस्टल धरे ही दाज देव जैसे मेरे बार जान ले। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तकरीबन अपने हर भाषण में ये जरूर बताते हैं कि बुलडोजर के डर से प्रदेश के माफिया या तो प्रदेश छोड़ गए या जेलों में ठूंस दिए गए या ऊपर की यात्रा पर चले गए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का इतना सख्त रवैया तब कहां चला जाता है जब उनके सजाती गुंडे विधायकों तक को जान से मारने की धमकी देने लगते हैं। मामला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, जिसको सामंती जिला कहा जाता है, वहां से आया है। पट्टी विधानसभा से दूसरी बार विधायक बने हैं राम सिंह पटेल। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर मंत्री कहे जाने वाले मोती सिंह को तकरीबन 22,000 वोटों के अंतर से हराया है। केवल राम सिंह पटेल के विधायक बनने और मोती सिंह के चुनाव हारने भर से पट्टी में सामंती साम्राज्य क्या खत्म हो गया? कतई नहीं। प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो विधायक भले ही राम सिंह पटेल हो, लेकिन मोती सिंह जी के करीबी गुर्गों का मनोबल एक बार फिर से बढ़ गया, क्योंकि उनको सजाती सीएम जो मिल गया था। अगर मेरी बात में सच्चाई नहीं है तो क्या वजह है राम सिंह पटेल के करीबी बीडीसी सदस्य राकेश पटेल को फोन करके अखिल सिंह नाम का एक व्यक्ति न सिर्फ धमकाता है बल्कि ठाकुरवाद की दुहाई भी देता है। अपनी इस कॉल में बीडीसी सदस्य और सरदार सेना के युवा संघ के जिलाध्यक्ष राकेश कुमार पटेल को तो वो धमकाता ही है, साथ ही साथ में कहता है कि तुम्हारे विधायक राम सिंह पटेल कहीं क्षेत्र में दिखाई देंगे तो उनको जान से मार डालेंगे। हेलो हेलो, राकेश पटेल बोलता है। हाँ अखिल सिंह बोलता है, चराइये कौन गांव लागत हो तुहार। हम सह चराइये ठाकुर रही बिने तोड़ बांध तोरे गढ़ी हम ढाई देव। राम सिंह पटेल तोरे घरे कहाँ। बिल्कुल है। अब अपने उनका जो संबंध में फंसाए हैं, राम सिंह ने गजेड़ी को नौत बुलाई है, देखी कितना दम उनके बाद आलू समझे था का पिस्टल घरे ही दाग दे बोल। विधायक हम सह पटेल को मार डाल अब यहाँ ही है तो या नहीं देखा क्या रही हो रही है। इतनी बड़ी औकात हो तो प्रतापगढ़ में 2 किलोमीटर से आई कितना चला जाता जीत के। पिस्टल धरे ही दाज देव जैसे मेरे बार जान ले। हालांकि विधायक राम सिंह पटेल ने इस पूरे मामले की FIR दर्ज करवा दी है, लेकिन हैरत की बात देखिए, विधायक खुद लिख रहे हैं अपनी तहरीर में कि उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, गाड़ी पर हमला किया जा रहा है, रेकी करके उनकी हत्या का प्रयास करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शासन प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंग रही है। 25 अप्रैल को दोपहर 12 बजे ये फोन आया था, 28 अप्रैल को जाकर के FIR दर्ज की जाती है, जबकि विधायक खुद SP से मिलकर के कहते हैं कि इस मामले में तुरंत गिरफ्तारी की जाए। इसके बाद मनोबल देखिए अखिल सिंह का, 25 अप्रैल के बाद 26 अप्रैल को फिर से फोन करता है, राकेश कुमार पटेल को फिर से धमकाता है, कहता है कि विधायक भले ही तुम्हारा हो लेकिन सरकार तो हमारी है। फोन पर अपना नाम अखिल सिंह, गांव चरैया, थाना पट्टी बनाने वाले इस शख्स की चूंकि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसलिए सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर एस सिंह पटेल हौसला बढ़ाने राकेश कुमार पटेल का उनके घर पर पहुंचे सैकड़ों समर्थकों के साथ, और पट्टी कोतवाल नंदलाल सिंह से मुलाकात भी की। उन्होंने उनको FIR पकड़ाते हुए कहा कि हम जल्द से जल्द गिरफ्तारी करेंगे। कोतवाल से मिलने के बाद सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द इस आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो सरदार सेना चरणबद्ध आंदोलन करने पर बाध्य होगी। नेशनल जनमत का सवाल फिर से यही है कि अगर योगी राज में जातिवाद ना हो करके राम राज्य है तो क्यों एक विधायक को जान से मारने की धमकी देने वाले अदने से नवोदित गुंडे
अखिल सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। इस पूरी घटना को गौर से देख लीजिए, समझ लीजिए और अपने दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए कि फलाने की सत्ता में केवल फलाने ही धमकी देते हैं। ये तमाम सारी खबरें सामने आती हैं मगर ये दलाल भांड कॉरपोरेट मीडिया इन खबरों को आपके सामने नहीं आने देता है। अखिल सिंह का नाम अगर कुछ और होता, सत्ता बीजेपी की बजाय किसी और की होती तो अभी तक पूरे प्रदेश में तहलका मच जाता, इस गुंडे की जाति मुख्यमंत्री से जोड़ करके जंगल राज बता दिया जाता। ये तमाम बातें तब समझ में आएंगी जब इस मीडिया को अपने दिमाग पर हावी होने नहीं देंगे। अपने ड्राइंग रूम से इस दलाल भांड मीडिया को निकाल करके बाहर फेंकिए, क्योंकि आपके जरूरी मुद्दों को दरकिनार करके छद्म मुद्दे आपके सामने गढ़ देता है, आप उसी में उलझे रहते हैं। देखते रहिए संजन मत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।